क्या हालचाल दोस्तों, कैसे हो? और आज है हमारे पास गैस डियोपॉड जो कि मेवी की तरफ से आने वाला है K5 TWS। आपने तो बहुत सारे बोल रहे थे भाई साहब आजकल TWS के रिव्यूज कहाँ है, तो ये है भाई साहब दो दो TWS हमने मंगा लिए, दो तीन और नाश्ते में, उनका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। बाकी फिलहाल आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले, अनबॉक्स करने वाले, फर्स्ट इंप्रेशन देने वाला हूँ मेवी की तरफ से आने वाला डियोपॉड K5 जो कि है ट्रू वायरलेस ईयरफोन, जिसमें गाइस इसमें भाई साहब AI ENC का सपोर्ट है, आपको वन टच एक्सेस मिलता है, साथ ही ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिलता है, अल्ट्रा लो लेटेंसी है गेमिंग के मामले में। बाकी गाइस पूरा बातचीत करेंगे इस वीडियो में, तो जल्दी से डब्बा खोलते हैं और दिखाते हैं भाई साहब क्या है। बाकी यहाँ पे आप जो है इसके पूरे जो है वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो क्या क्या डिटेल है। और भाई साहब यहाँ पे पूरी तरह से ब्रांडिंग है, पुश द लिमिट कर रहा है, और आप भी पुश द लिमिट करके सब्सक्राइब वाला बटन पे पुश कर दो। एंड साथ में गाइस यहाँ पे और भी तकनीकी बातचीत लिखी हुई है, बाकी इसका डब्बा खोलते हैं और देखते हैं भाई साहब क्या मजेदार चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एंड गाइस जैसे हम इसको बॉक्स को ओपन करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है बताओ क्या हमें देखने को मिलता है बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। भाई साहब एक डब्बा ही मिलता है, बट उसके पहले भाई साहब हमें कुछ पुस्तकें मिल जाएंगी जो आप स्कैन कर सकते हो, एंड साथ ही में भाई साहब अंदर में कुछ और माल मसाला है, हीरे जवाहरात नहीं है वैसे, ये पेपर वाला मैनुअल है जिसमें आपको पूरे कंट्रोल्स मिल जाएगा, पॉज करके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी डब्बे में और कुछ नहीं है भाई साहब, बाकी ये मेन डब्बा आ जाता है। अब इसको हम निकालते हैं भाई, यस यहाँ पे पन्नी में लिपटा हुआ भाई एकदम समझ लो, और अंदर में हम और देखते हैं और क्या मिल जाता है। वही भाई साहब नॉर्मल से आपको जो है टाइप ए टू टाइप सी वाला केबल और कुछ ईयर टिप्स मिल जाएंगे। एंड बाकी बातचीत करते हैं भाई साहब, सबसे बड़ा ये K5 जो मेवी की तरफ से आता है भाई साहब कुछ इस डिजाइन का आ जाता है, पूरा ही मैट फिनिश का डिजाइन देके रखा है, गोल से अंडे के जैसे शेप देके रखा, ओवल एग्जैक्टली अंडे के जैसा नहीं है, थोड़ा राउंडेड शेप है, आप देख सकते हो, हाथ में पकड़ने में बहुत ही कंफर्टेबल है। पीछे की तरफ से यहाँ पे आपको टाइप सी की चार्जिंग की पोर्ट मिल जाती है, ऊपर की तरफ से आपको जो है मेवी की ब्रांडिंग देके रखा है। एंड भाई साहब ये जैसे खुलता है, जैसे आप जो है ना लड़कियों को प्रपोज करने जाते हो रिंग प्लेट जैसे खोलते हो ना भाई, उसके टाइप में जरा, बट यहाँ पे फिकर ये है कि भाई यहाँ पे रिंग नहीं मिलता है, आपको मिल जाता है ये टिप्स। एंड भाई साहब इसकी अगर कंफर्टेबल की बात करूं, अगर मैं इसको लगाता हूँ कंफर्टेबल की बात करूँ, तो भाई साहब अच्छी खासी कंफर्टेबल है, मैंने इसको यूज करके देखा, सब चीज मैं आपको पूरा बात बताता हूँ। पहले इसका बात करते हैं भाई साहब इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, यहाँ पे आपको जो है ना पूरा ग्लॉसी डिजाइन देके रखा है, पूरा तरह से ग्लॉसी है, ये वैसे मैट फिनिश है बट ये ग्लॉसी है जिसके कारण आपको फिट वगैरह अच्छी तरह से हो जाता है। ड्यूल माइक सपोर्ट है, इसमें AI ENC का काम होता है, जब भी आप कॉल वगैरह करोगे अपने चुन्नू मुन्नू सोना से जब बात करोगे उसको आपकी आवाज एकदम क्रिस्टल क्लियर समझदार मस्त तरीके से जाएगी, ट्रैफिक वगैरह में रहते हो एकदम नॉर्मल लेवल तक जो है ना नॉइस को रिड्यूस कर लेता है। म्यूजिक की बात करते हैं भाई साहब, थोड़ा म्यूजिक भी सुन लेता हूं मैं, तो म्यूजिक का बातचीत कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपको वेल बैलेंस्ड वोकल्स आपको दिखता है, बेस और जो होता है ना भाई बेस थोड़ा हल्का सा मीडियम साइज में है, आपको ट्रेबल भी बैलेंस साइज में मिल जाता है। बाकी वोकल्स की बात करें, मिड्स एंड हाइज की बात करें तो थोड़ा मीडियम साइज आ जाता है। बेसिकली बताया जाए तो भाई साहब ये जो ना 1000 रुपए का आता है, 999 या फिर 899 ऑफर में आपको मिल जाता है, मुझे 899 में मिला था, तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से आपको ठीक ठाक म्यूजिक क्वालिटी दे देता है। आप ज्यादा भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एकदम बूम बाम वाली एकदम बेस आ जाए या फिर स्टीरियो सराउंड इफेक्ट्स वगैरह आ जाए, वो सब उतना नहीं मिलता है, एकदम वेल बैलेंस जो 1000 रुपए के बातचीत जो आता है भाई वो बातचीत आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे गाइस, अगर आप जो है इंटरनेशनल म्यूजिक सुन रहे हो या फिर पॉप म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो या फिर जैसे बूम बाम जैसे टोक्यो ड्रिफ्ट वगैरह सुन रहे हो ना, तो वहां पे आपको बेस नॉर्मली म्यूजिक में ज्यादा रहता है, तो यहाँ पे एकदम कंफर्टेबली मिलता है आपको जो ना वो बेस लेवल ठीक मिल जाता है। बाकी साउंड में अगर डिस्टॉर्शन की बात करें तो भाई 90% के अबो जाते हैं तो हल्का सा आपको डिस्टॉर्शन सुनने को मिलता है। अगर आप ज्यादा म्यूजिक वाले जैसे फास्ट म्यूजिक EDM वगैरह सुनते हो तो भाई वहां भी अगेन 90-95% ऊपर जाते हो तो आपको डिस्टॉर्शन सुनने को मिलता है। बाकी अगर 60-70 अंडर 80% में सुनते हो तो भाई आपको क्लियर से आपको वोकल सुनाई दे देगा, म्यूजिक वगैरह सही से हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन में मुझे हल्का सा डाउट यहाँ पे लगा, अगेन भाई साहब ये 1000 रुपए के अंदर में आने वाला, उससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड बाकी इसकी वेल बिल्ड डिजाइन की होने की वजह से कंफर्टेबल अच्छा है, कान वगैरह में आपको कंफर्टेबल मिल जाता है, IPX4 रेटेड है तो छोटे मोटे पानी के छींटे वगैरह पड़ जाए, बारिश की बूंदे थोड़ा बहुत पड़ जाए, जिम विम वगैरह जा रहे हो पसीने वसीने लग जाए तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी अगर देखते हैं तो भाई इसकी बैटरी बैकअप जाकर के 40+ hours का बैटरी बैकअप है, इनफैक्ट यहां पे 50+ लिखा हुआ है, बट हमने जो जहां तक टेस्ट किया जहां तक यूज किया इन प्राइस रेंज पे जो है अराउंड 45 आवर्स तक जो है आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है। बाकी ये सब जो है 50% के
यू नो वॉल्यूम सजेशंस में ये लोग टेस्ट करते हैं। तो मान लो 40 से 45 घंटे आराम से एक बार चार्ज कर लो, एक हफ्ता का पूरा खर्चा निकल जाएगा। साथ ही में गाइस मेड इन इंडिया दिया गया, लो लेटेंसी मोड यहां पे दिया गया। अब कितना लेटेंसी मोड है ये तो नहीं लिखा गया, बट जब हमने इस पे गेमिंग करा है तो गेमिंग में ठीक ठाक आपको कैजुअल गेमिंग निकाल के दे देता है। बाकी इसका फुल टाइम गेमिंग टेस्ट वगैरह जो है वीडियो चैनल पे जल्दी आ जाएगा, उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। एंड ये रहा पूरा आपको पूरा बातचीत, डिजाइन वगैरह के मामले में बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखते हैं भाई, सामने से खुलने वाला आ जाता है, यहाँ पे आपको राइट एंड लेफ्ट इंडिकेशन वगैरह दे देता है। चार्जिंग वगैरह करोगे तो यहाँ पे आपको जो है लेड लाइट्स दे के रखा है, जो कि चार्जिंग केस आपको बता देगा, मतलब चार लाइट दिया है 25% के हिसाब से आपको दिखा देता है। बाकी फिनिशिंग वगैरह जो है अच्छा खासा डिजाइन दे के रखा है, फिनिश वगैरह में इसमें भी अच्छा खासा डिजाइन है, फिटिंग का आपको कुछ इश्यू नहीं है। तो ये सब पूरा बातचीत आपको मिल जाता है। बट अगेन अगर जिन लोगों को भी गेमिंग के लिए चाहिए, डेफिनेटली गाइस गेमिंग का अच्छा खासा लो लेटेंसी मोड मिल जाता है अराउंड 45 मिलीसेकंड में। बट इसका जो ना प्रॉपर टेस्ट वाली वीडियो जो है ना चैनल पे जल्दी आ जाएगा। एंड और क्या बताऊं बताओ, बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हमारा K7 भी एक आके रखा है, एंड यहाँ पे भी गाइस बहुत सारे चीजें आपको देखने को मिलती है, तो इसके बारे में अगली वीडियो में बात करते हैं। बाकी गाइस इसमें जो भी टच कंट्रोल्स वगैरह हो जाए, अच्छी खासी टच कंट्रोल काम कर लेता है, टच कंट्रोल में कुछ भी इश्यूज नहीं लगा। प्ले पॉज नेक्स्ट म्यूजिक कॉल डिस्कनेक्ट वगैरह कर सकते हो, गेमिंग मोड वगैरह म्यूजिक मोड वगैरह आपको यहाँ पे देके रखा है, और गूगल असिस्टेंट वगैरह को भी चालू कर सकते हो। बाकी कंट्रोल्स को मैंने आपको दिया है स्टार्टिंग के वीडियो में, वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है उसको पढ़ सकते हो। बाकी यही रहा पूरा इस वीडियो में इसका हाल चाल। बाकी आपको जो भी सजेशन रखता है नीचे कमेंट कर देना, कोई भी क्वेश्चंस वगैरह कमेंट कर देना। बाकी और भी कोई भी फीडबैक वगैरह है वो भी मुझे कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अब क्या करोगे बच्चे की जान लोगे कि सब्सक्राइब करके वीडियो पे आओ, दूसरे चैनल हमारे चैनल पे जो है दूसरे वीडियोस भी अवेलेबल है उसको भी जाकर के देखो।